ग्वालियर विधानसभा और मुरार विधानसभा में अभी तक खदान कंट्रोलर पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने मुझे बताया है, इसके बाद मेरी जानकारी में आया है, पूरे मामले में मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया है, तो ये मामला गंभीर है। जो राशन गरीबों को समय में मिलना चाहिए, ये जो नहीं मिला है, तो ये बात गंभीर बात है। मैं मंत्री जी बात करूंगा और निश्चित तौर पर राशन गरीबों का है उस समय में बैठे, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और प्रशासन की भी है, सभी की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर इसमें चर्चा करूँगा और इस मामले पर यदि लेट हुआ है राशन, कैंप लगने का कार्य सारी विधानसभा में होगा, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे ग्वालियर हो या पूरा हो, आने वाले दिनों में मेरी विधानसभा में भी कैंप लगेंगे। 40% केवल राशन आ रहा है, जिसमें 20% राशन केवल मंत्री के क्षेत्र में जा रहा है, तो केवल 20% जो राशन बचा है वो कितनी जगह कटेगा और उससे कितना जनता की। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सरकार आपकी है। लेकिन लेकिन ये सवाल सवाल आपने किया, ये सवाल आप उनसे करिए, ठीक है ना। लेकिन निश्चित तौर पर राशन जो गरीबों का आ रहा है उस समय पर मिले, पूरा मिले, अच्छी क्वालिटी का राशन मिले गरीबों को, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और हम सबकी याद है। तो आप मेरे संज्ञान में लाए हो कि अभी तक राशन नहीं मिला है गरीबों को, तो ये इसकी मजा केवल दो ही विधानसभा ग्वालियर और मुरार में ही नहीं आया, क्योंकि जानकारी मिली है कि ये मंत्री के लोगों पे ठेका पहुंचा है, इसलिए ये सब ले लिया। इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि गरीबों को राशन समय मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, ये राशन नहीं पहुँचा गरीबों को, तो ये मैं बात मंत्री जी करूँगा, क्षेत्र में करूँगा, ये मामला गंभीर है। गरीबों को राशन समय पर मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मुरादाबाद में 10 साल के किशोर का शव गांव के ही पास तालाब में तैरता हुआ मिला, जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम है आपका? मुजम्मिल अली। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो डेड बॉडी मिली है तालाब में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये हमारा भाई सुबह से लापता था और इसकी इसे ढूंढने का प्रयास चल रहा था सुबह से, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा था हमें। और अब कुछ देर अब दोपहर को ये पता चला कि बराबर में किसी ने हमें ये सूचना दी कि गांव के करीब में ही एक छोटा सा तालाब था, वहां पर सूचना ये मिली कि डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। तो हम लोग जब वहां गए तो हमने जाकर वहां देखा कि वहां ये हमारा भाई मौजूद था, हम इसको उठाकर यहां ले आए। अब ये है कि अब ये एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, किसी पर शक है? किसी ने किसी पर शक नहीं है। क्या चाहते हैं हम? बस हम ये चाहते हैं इसको यहीं सुलझा दिया जाए, कोई शक नहीं है, हमारी डेड बॉडी डेट हो एक्सपायर। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ दी थी सूचना। तो पुलिस आई मौके पर? हाँ मौके पर पुलिस मौजूद है। बीते गुरुवार को मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव पड़ा मिला, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 8 अगस्त को प्रातः लगभग 5:30 और 6 के मध्य भगतपुर के निवाड़ खास गांव के क्षेत्रांतर्गत एक गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिला, जिसकी शिनाख्त अपराह्न में हो गई और पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन करने के उपरांत ये प्रकाश में आया कि उसकी हत्या उसके प्रेमी दिनेश के द्वारा की गई थी। उसके चरित्र पर शक करने के कारण दोनों ही मृतिका और इस केस के अभियुक्त एक अलग अलग कंपनी में मार्केट रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं और आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं, जो वर्तमान में मृतिका का प्रेमी है उसको इसके चरित्र को लेकर शक हुआ, जिसके कारण आपस में इनमें कुछ बातचीत हुई, तदुपरांत उसके दुपट्टे से उसका गला दबाकर उक्त तथाकथित प्रेमी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हीरोइन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत लगभग 30 लाख बताई जा रही है।
सेलम और दक्षिणी में दो अभियुक्त जनपद हाथरस के पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से 280 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, बरामद हुई है, और जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। ये अलीगढ़ से लोग ले आए थे। इस संबंध में और भी जो है इसकी जांच कराई जा रही है, इसका मुख्य स्रोत कहाँ पर है और उस किससे ले आए हैं। इस संबंध में जो है एक शर्मा और दक्षिण द्वारा एक कार्य किया गया है, उसमें थाने की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई।